हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय सेल्फ पूजा लिमानी फ्रॉम यूनिटी पब्लिक स्कूल कैम्ब्रिज, स्टैंडर्ड 4, सब्जेक्ट ईवीएस, चैप्टर 19, अब्दुल इन गार्डन। अब्दुल इन द गार्डन, तो यहाँ पे हम पढ़ते चैप्टर 19 है हमारा, अब्दुल इन द गार्डन। अब्दुल इन द गार्डन, इट वॉज अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन था, अब्दुल की छुट्टी का दिन था। अब्दुल वॉज हेल्पिंग His Abbu. Abdul was helping his Abbu in the garden. Abdul क्या कर रहा था? उसकी Abbu की help कर रहा था garden में. Abbu was clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds. जो vegetable beds किसे कहते हैं? जो कितनी सारी सब्जी है जो beds के ऊपर होती है उसे कहते हैं, कितनी सब्जियाँ जो beds के ऊपर लगाई हुई होती है उसे कहते हैं वेजिटेबल बेड्स। तो जो अब्बू थे वो क्या कर रहे थे? क्लियरिंग, वो साफ कर रहे थे डेड लीव्स, वो सूखे पत्तों को और ग्रास को निकाल रहे थे। तो अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स। वो एक बेड से वो क्या कर रहा था? ग्रास को खींच रहा था। पुल यानी खींचना, वो ग्रास को खींच रहा था। ही फाउंड दैट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास। वो छोटे छोटे ग्रास को भी निकालना इतना आसान नहीं था, इतना ईजी नहीं था, उसे खींचना इतना ईजी नहीं था। वो सोच रहा था, अब्दुल क्या सोच रहा था कि ये इतने छोटे ग्रास को खींचना आसान नहीं है, तो आसान तरीका वो ढूंढ रहा था। हिज हैड्स बिकम रेड बाय द एफर्ट्स। ये इतना इजी नहीं है, कितना इसमें कितना एफर्ट है, इसमें कितनी तकलीफ होती है, और उसके हाथ भी रेड रेड हो चुके थे, लाल पड़ गए थे इन ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास। और वो क्या कर रहा था? वो पुल को, वो ग्रास को खींचने की ट्राई कर रहा था। अब्दुल नॉक डाउन अ स्टिक। वो देख रहा था कि ये स्टिक है जो दैट वॉज सपोर्टिंग द पी प्लांट। ये जो स्टिक है वो वहाँ पे पी प्लांट था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो वो जो पी प्लांट था उसकी जो स्टिक थी वो लंबी थी। पी प्लांट क्लाइंबर, दैट डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रॉक। कि वो पी प्लांट, जो पी प्लांट है वो खींच ना जाए, इसलिए उसकी जो स्टेम थी वो कितनी मजबूत थी। अब्बू बोले, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास। तुम ये ग्रास को क्यों खींच रहे हो? द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग। तो वो ये ग्रास का जो रूट्स है उसकी जड़ें, जो ग्रास की जो जड़ें है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। यू विल हैव टू डिग देम आउट। वो वहाँ पे खोद रहा था, डिग यानी खोदना, ओके, वो वहाँ पे खोद रहा था। अब्दुल केयरफुल डग आउट द प्लांट। उसे वो निकाल रहा था, इस डग खोद के उसे बाहर निकाल रहा था। ही देन सेड दैट द रूट्स ऑफ अ ग्रास प्लांट वेर लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबोव द ग्राउंड। और वो देख रहा था कि ग्रास, जो ये ग्रास का प्लांट है वो कितना बड़ा, longer is much more spread out than the part of the plant। उसके roots, उसके जड़ें कितनी गहराई तक मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर कितनी गहराई तक गई हुई है। देखो यहाँ पे मैं देख आपको बता रही हूँ कि ये जो जमीन है यहाँ पे ये सारे ग्रास है और उसकी जड़ें, उसके roots यहाँ से गहराई तक, जमीन के अंदर गहराई तक फैलाई हुई है ऐसे, जिसकी जड़ें बहुत लंबी होती है, गहरी होती है। तो वो देख रहा था कि ये ग्रास जो है वो ऊपर से कितना छोटा है, पर उसकी जो जड़ें हो कितनी ज़मीन के अंदर स्प्रेड हो चुकी है। द पार्ट ऑफ द प्लांट अबो द ग्राउंड। और वो अंदर से, अंदर जितनी गहराई तक उसकी जड़ें है उतना तो वो ज़मीन के बाहर भी नहीं है।
इतना इतना तो वो ज़मीन के बाहर भी इतना ग्रो नहीं हुआ है उसका, वो बोल रहा था। यहाँ पे आगे देखते हैं, अबू रिमेम्बर, अबू को याद आया दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश। वो बोल रहे थे कि घर पे थोड़ी मूली भेजनी है, तो उसके अबू को याद आया कि घर पे थोड़ी कुछ मूली भेजनी है। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द